हम तहलका न्यूज। और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश के चलते जो है सड़कें जलमग्न हो गई। आपको बता दें कि जवाहर कॉलोनी के बाहर लोग जो है वो बाथ टब लेकर सड़कों पर निकले। कुछ देर हुई बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां मूसलाधार बरसात के चलते जो है सड़कें जलमग्न हो गई। आपको बता दें कि जवाहर कॉलोनी के लोग जो है वो बाथ टब लेकर सड़कों पर निकले और कुछ देर की हुई बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। वही NIT विधायक नीरज शर्मा के वादे की भी जो हवा है वो निकल गई। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए विधायक नीरज शर्मा ने कई बड़े वादे किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 दिन में जल भराव की समस्या से वो निजात दिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां कुछ देर हुई बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें कि फरीदाबाद में मूसलाधार बरसात के चलते सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई और जवाहर कॉलोनी के बाहर जब लोग निकले तो वो सड़कों पर बाथ टब लेकर निकले। आपको बता दें कि कुछ देर हुई बरसात ने नगर निगम के दावों की तो पोल खोल कर रख ही दी। इसके साथ ही NIT से जो विधायक नीरज शर्मा हैं, उन्होंने भी कई बड़े दावे किए थे, उनके दावों की भी यहां पर हवा निकलती हुई नजर आई। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए विधायक नीरज शर्मा ने कई बड़े वादे किए थे और इस बीच उन्होंने ये भी कहा था कि 15 दिन में विधायक बनने के बाद जल भराव की समस्या से निजात दिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये प्रथम तहर का आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से फरीदाबाद में थोड़ी देर हुई बारिश से ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी और लोग जब सड़कों पर निकले तो वो किस तरह से बाथ टब लेकर जो है सड़कों पर निकल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है।